तो दोस्तों, ओप्पो F7 में कलर ओएस 6 का अपडेट 15 डेज पहले स्टार्ट हो गया था। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आपने अगर शायद ना ही देखा हो तो वो आई बटन पे जाके देख सकते हो। तो ओप्पो F7 का फास्ट ट्रायल वर्सन आया था 15 डेज पहले, और उसका जो वर्सन था C.04, और उस वर्सन का साइज था 2.7 GB। तो फिर आज से एक नया अपडेट स्टार्ट हुआ है। तो उस टाइम जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, उन लोगों का फास्ट बैच स्टार्ट हुआ था ट्रायल वर्सन के लिए। तो फास्ट बैच का जो ट्रायल वर्सन था वो 2.7 GB का था। अब नेक्स्ट अपडेट आज आया है, इसमें सेकेंड ट्रायल वर्सन स्टार्ट हुआ है। तो कैसे आपको सेकेंड ट्रायल वर्सन में हिस्सा लेना है ये देखने के लिए आप मेरे आई बटन में जो वीडियो है उस वीडियो में जाके फॉलो करो ओप्पो F7 का वाला। वहाँ पर सेटिंग्स में जाके आपको चेक करना होगा ट्रायल वर्सन के लिए, तो आपको मिल सकता है। तो ये जो अपडेट है, इस अपडेट का वर्सन है C.06। तो आज से C.06 वर्सन रोल आउट स्टार्ट हुआ है, और ये जो अपडेट है ये दो साइज में मिल रहा है। सेकेंड ट्रायल वर्सन में सिलेक्ट हुआ था उन लोगों के लिए 2.76 GB का अपडेट आया, और जिन लोगों को ऑलरेडी फास्ट ट्रायल वर्सन का अपडेट मिल गया था उन लोगों को 527 MB का एक अपडेट आया है। तो इस अपडेट में जो वर्सन है वो डिटेल्स में आपको यहाँ पर बताते, आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू वर्सन ऑफ कलर ओएस 6 CPH1819EX_11_C.06। तो C.04 15 डेज पहले स्टार्ट हुआ था, और 15 डेज बाद C.06 स्टार्ट हुआ है। तो ये भी ट्रायल वर्सन है, और ये भी बीटा में ही चल रहा है। इसमें अभी तक बहुत सारे बाग्स है, और ये बाग्स धीरे धीरे फिक्स होगा। जब तक ना फिक्स होगा ऐसा ही अपडेट आते रहेगा, और शायद नेक्स्ट ट्रायल वर्सन भी स्टार्ट हो सकता है 10-15 दिन के अंदर। तो जो लोग ओप्पो F7 यूज करते हो, आप लोगों का अगर अपडेट मिल गया तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो भी मेरे को कमेंट में बताना, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसके बाद जो अपडेट आएगा उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक जिन लोगों को अपडेट नहीं मिला है मेरे आई बटन वाला वीडियो देख लो, वहाँ पे जाकर ट्राई करो, हो सकता है आपको मिल भी जाएगा। तो ये जो अपडेट आया है, इस अपडेट में जो चेंज लॉग दिया गया है वो बिल्कुल सा सेम है फास्ट ट्रायल वर्सन में जो चेंज लॉग दिया गया था। तो वो चेंज लग देखने के लिए भी वो आई बटन का वीडियो आप चेक कर लो। तो दोस्तों, ओप्पो F7 का अपडेट तो C.06 आ गया, लेकिन इसमें बहुत सारे बाग्स अभी भी है, और बहुत सारे और भी ट्रायल वर्सन के तौर अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद फिक्स हो सकता है। तो दोस्तों, यही था ओप्पो F7 का अपडेट के बारे में डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज लेकर आता हूं। तो दोस्तों, इतने बाय।